Thank you.
सारी टीम की तरफ से आई वांट टू थैंक मीडिया एवरीबॉडी कि आप लोगों ने 3300 एपिसोड में 12 साल सबका साथ दिया थ्रू ऑल द जर्नी है आज भी साथ दे रहे और आगे भी जो नया दौर आ रहा है नया फेज आ रहा है थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बिकॉज आप एक बहुत हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बने और जनता तक हमारी बात पहुँचाने के लिए बारह साल मतलब इट्स ह्यूज टच ऑफ द गॉड्स दिस इज ह्यूज अचीवमेंट और 3300 एपिसोड मतलब अभी मुझे याद आ रहा है वो दिन जब पहली बार स्टार्ट से बोल रहा था कि एक थॉट के ऊपर इस पे काम करते हैं और हमारा मिलना करना शुरू हुआ वो पहले या उनके ऊपर I think ultimately so many moments and each one has contributed एक vision एक thought था एक कुछ लोग साथ में थे कुछ लोग यहाँ पर है first day से थे हैं I think beautiful people इस show में बस जुड़ते हैं and it's thank you to everybody who's here and the entire team is I think Girisha के लाते हैं all about teamwork positivity and team spirit and community and जैसा आज बता रहे थे कि इस जगह पे show में एक बरकत है there's some sort of आई थिंक गॉड्स हैंड कितनी भी मेहनत करे जितना भी कुछ करे बट जो इस सेट पे आता है आई फील एवरीबडी वो एक ब्लेसिंग मिलती है पॉजिटिविटी मिलती है टीम स्पिरिट की वजह सो मैं अपनी तरफ से आई वांट टू थैंक एवरीबडी हु इज बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ 12 इयर्स 3300 एपिसोड दिस विश अस ऑल द लक एक बहुत बड़ा बड़ा बिग चेंज आने वाला है टेक्सचर आने वाला है एक तो उसी मेहनत के साथ हम सब मेहनत करने वाले हैं उसी मतलब हिम्मत के साथ और गुड जोश सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन बिग एंड हम सब साथ साथ हैं एवरीबॉडी हु इज हियर एंड हु इज पार्ट ऑफ द गोयनका सिंगानिया महेश मिर्जा इंटायर इंटायर टेक्निकल क्रिएटिव राइटर्स एवरीबॉडी हु हैव बीन क्रू हमारे सारे वर्कर्स हमारी यूनिट साथ में आज मिली है क्योंकि आज से एक नया इम्पैक्ट एक दिन में आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ है हमने भी देख लिया उसका ट्रेलर देख लिया एंड सतीश सभी ऋषि अभी सो गरिमा समझे भी सभी नाम समझे समझे को देखा जो एक नया कुछ आने वाला कुछ और सो जस्ट की एवरीबडी सपोर्ट एंड द टीम वर्क अगेन कि 2021 12 जैन है रिजल्ट्स क्या होते हैं वो सब ऊपर वाले पे और हमें इंटरेस्टिंग है बट हम लोग सब मेहनत करेंगे वी गिव इट आवर बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू फेज ऑफ गिरीश का चैप्टर एंड वो फेज आप बहुत जल्द देखने वाले और हम सब साथ साथ हैं ठीक है ये बताओ तो आई थिंक एक हम लोग आएंगे पंच के साथ 2021 में पंच के साथ आएंगे पहले तीन था तीन तो करेंगे करेंगे सारी टीम लेट्स गो वन थ्री थ्री सिग्नाइज 12 थ्री सिग्नाइज 3300 एंड बस ऐसा है कि हमेशा ये दुआ होती है यही प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसे ही खुशी रहे सेट पे आज 12 साल हमारे कंप्लीट हुए 12 जैन 2021 और उसी दिन 3300 एपिसोड का पूरा होना आई थिंक ये बहुत एक कार्मिक और एक ऊपर वाले की एक देन है कि उसी दिन हमारे 12 साल कंप्लीट होते और उसी दिन हमारे 3300 एपिसोड होते तो हमेशा ये दुआ करते हैं ये प्रे करते हैं कि वही एक जोश जो पहले दिन था आज भी वो वही जोश रहे टीम में वही ह्यूमिलिटी रहे वही हार्ड वर्क रहे एक टुगेदरनेस एक टीम की जो टुगेदरनेस होती है आई ऑलवेज से कि बेस्ट टीम्स मेक बेस्ट शोज तो जब शो अच्छे लोग साथ में आते हैं तो आई मी माई सेल्फ नहीं रहता एक टीम वर्क रहता है और यही ह्यूमिलिटी रखते हुए हम दर्शकों को थैंक यू कहना चाहेंगे कभी आपकी नाराज़गी होती है कुछ बातों को लेकर कभी आप बहुत प्यार करते हैं मगर जो भी हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा और आज आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी एसोसिएटेड विद द शो सारी हमारी टीम टेक्नीशियंस एक्टर्स यूनिट जिन्होंने साथ दिया है 12 साल बहुत एक अच्छा एक इट्स अ ह्यूज इट्स अ लाइफ टाइम इनफैक्ट
मुझे कोई बता रहा था उस दिन कि लोगों के करियर्स कभी कभी 12 साल के ही होते हैं, और एक शो ने वो जिंदगी जी है और आज भी जी रहा है, और भगवान करे और जिएगा। सो थैंक्स टू एवरीबडी, टू द व्यूअर्स, एंड थैंक्स टू मोहसिन एंड शिवांगी, जिन्होंने एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की तरह एक साथ दिया है डायरेक्टर्स का, प्रोडक्शन का, रिश्ता भी कहलाता है का, और बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे। तो उसके लिए आई थिंक वी ऑल नीड योर सपोर्ट, और ज़रूर देखेगा जो आगे कुछ होने वाला है कुछ दिनों। मैं और पूरी टीम को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर कंप्लीटिंग 12 इयर्स। एंड मैं ये बोल रही हूँ और मैं ये मान रही हूँ और मैं हमेशा मानती रहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, और आगे भी रहूँगी या नहीं रहूँगी पता नहीं, वो आप लोग देखिएगा लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना। 100% गारंटीड। बेट लगा रहे हैं आप? बेट लगा रहे हो? आप हार भी सकते हैं। आप बेट मत लगाइए, देयर इज अ बिग ट्विस्ट कमिंग अप जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो। लेकिन थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन मी, एंड हमें, मुझे नायरा देने के लिए, हमें कायरा देने के लिए। हमारे लिए ये नायरा, मेरे लिए नायरा और हमारे लिए कायरा हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेंगे। और बस यार कंग्रेचुलेशंस। The show had already completed 7.5 years. 7.5 साल हो चुके थे, 2100 करीब एपिसोड्स हो चुके थे, सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके थे, सारे अवार्ड जीत चुके थे जब हम हमारी एंट्री हुई थी शो में एस कार्तिक नायरा, एंड तब तक इट हैड ऑलरेडी अचीव सो मच माशाल्लाह। वी हैड एंटर्ड अ ग्रैंड शो एंड बीन एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एवरी डे के कास्ट इन दिस रोल, एंड माशाल्लाह ये जो जर्नी है ये, और हमारी 1200 हो गए तो 3300 क्रॉस कर चुके हैं, और ऐसी ही बहुत जल्द 3333 होने वाला है। इंशाल्लाह द नंबर 3 इज वेरी लकी फॉर सर, इज बॉर्न ऑन 3rd, एंड वो जो लक है, वो जो 3 नंबर का, वो आई थिंक हम सब में वो फैल रहा है, तो आई थिंक आई एम सून गोना बिलीव इन न्यूमरोलॉजी बिकॉज़ ऑफ इट। राजू, माय क्वेश्चन इज टू यू, बिकॉज़ यूजुअली टीम हमने डेली सोप्स में देखी हैं, काफी बड़ी टीम्स होती हैं, बट ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री दैट इट इज द बिगेस्ट टीम, टू पुट टुगेदर दैट टीम एंड टेक देम अलोंग विद यू फॉर 12 इयर्स इज नॉट इजी। हाउ डू यू मैनेज दैट, बिकॉज़ आई एम श्योर that is the most difficult, it's a nightmare for a producer to handle such a huge team, right? How did you manage? नहीं, मेरा वो एक बता दूं, अगर मैं वो अपना ट्रिक बता दूं या मैजिक बता दूं या फॉर्मूला बता दूं तो नहीं नहीं बेसिकली फार्मूला बहुत सिंपल है, जो मैंने हमेशा बिलीव किया है इंडस्ट्री में ना, कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो जो आपका विजन होता है, आपकी जो आप चाहते हो जो शो में हो, वो किसी और का ड्रीम बना दो, और उनको इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनको मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दो जहाँ वो आपकी जर्नी को अपनी जर्नी बना दे। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे कंपनी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन में ना केवल सारी यूनिट, सारी टीम मेंबर्स, मेरे वर्कर्स, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी सोल जो हमारी यूनिट की होती है, और सारे बेहतरीन कलाकार जो है, उन्होंने ये रिश्ता का सपना अपना समझा, अपने कंधों पे उन्होंने शो का पूरा वो जिम्मेदारी ली, और उन्होंने वो सपना बना दिया। तो मैं खाली स्टेज पे जाता हूँ, ऐसे इंटरव्यूज देता हूँ, अवार्ड लेके आ जाता हूँ। तो रियली ऑनेस्टली दैट इज़ अ थिंग दैट व्हेन यू हैव सच हार्ड वर्किंग पीपल, पॉजिटिव पीपल, तो उनका सपना बन जाता है और मैं बस क्रेडिट ले जाता हूँ। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, सर सिर्फ सेट पे आते हैं या सिर्फ स्टेज पे आते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते हैं, सर हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं, और सिर्फ इन ओकेजन पे नहीं आते हैं, बहुत बार सेट पे आते हैं, हमारे सभी आउटडोर्स में, हम एक्टर्स हैं, हमें अगर सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठना है तो सर भी हमारे साथ उन्हीं टाइम पे उठते हैं। तो आई थिंक ये सबका है, आई थिंक पूरी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब ने आई थिंक बहुत मेहनत की है, और सीरियसली थैंक, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन सर, 12 इयर्स, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। ठीक है सर, यू कैन जस्ट टेक देयर बाइट्स फॉर 5 मिनट्स, जस्ट कीप समथिंग हियर। कायरा, मतलब इतना, मतलब बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो भी ब्रांड बन चुकी है, क्या कहेंगे, और 12 साल का मुकाम हासिल किया है, 3000
माशाल्लाह. फर्स्टली तो बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ये रिश्ता. सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है. बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम टू ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड विद द शो. सेवन एंड हाफ ईयर्स हैड ऑलरेडी बीन डन व्हेन वी जॉइन द शो एंड अब माशाल्लाह 12 साल हो जाना. 12 साल इज ब्यूटीफुल नंबर. द होल नंबर 3 हर जगह से कनेक्ट हो रहा है. तो मैं वही सर से बोल रहा था अभी हम लोग बहुत जल्द 3333 कंप्लीट करने वाले हैं. आई होप कि उस दिन भी हम ऐसे ही सेलिब्रेशन करेंगे. कितना मजा आया. काफी धमाकेदार सेलिब्रेशन देखा हमने सेट पर. सब एंजॉय कर रहे थे. क्या कहेंगे. हां सब बहुत एंजॉय कर रहे थे. हम हमेशा ही हवन करते हैं और हवन पॉजिटिविटी प्रॉस्पेरिटी प्यार और जो है और सब ब्लेसिंग्स भगवान की बनी रहे हम सब पे सभी पे आप लोगों पे भी. और इसीलिए करते हैं सब पूरे. काफ़ी लोग थे जो शो का फिलहाल हिस्सा नहीं है वो लोग भी थे और मतलब सभी आए हुए थे यार. एक मिलना जुलना हो गया सबसे और अच्छा लगा बहुत. मतलब फिर आपने केक कटिंग तो देखा ही. सबने बहुत सारा केक खाया. अच्छा फैंस को क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं. मायूसी नज़र आ रही है. कायरा नहीं रहेंगी नायरा नहीं रहेगी. मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही है. आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस को लेकर. क्या वही जो रिस्पॉन्स आपको आ रहा है वही रिस्पॉन्स मुझे भी आ रहा है. एंड हम समझते हैं आप लोगों के इमोशंस समझ रहे हैं. पर फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप शो देखते रहिए. आगे क्या होगा कैसे होगा आप सबको पता चल जाएगा. पर उसी में से छेड़छाड़ किया जाता है हर वक्त. लास्ट टाइम जो हुआ था और इस टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. मतलब सारे जो ट्विस्ट है वो आपके कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है. ओके दैट्स गुड ना अगर ऐसा होता है तो. मेरा क्वेश्चन ये था द सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस इज द फैक्ट दैट आप दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. आई वाज जस्ट गोइंग टू ट्विटर एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग द लास्ट फ्यू एपिसोड्स एस्पेशली बिकॉज एवरीवन लव्ड द वे यू टू पोर्ट्रेट कायरा. भले ही अंत हो नई शुरुआत हो जो भी हो बट आपकी एक्टिंग जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड. आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव गॉन थ्रू ट्विटर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग राइट. हाउ सरियल डज इट फील व्हेन यू नो दैट दे आर अपसेट बट उसमें भी दे आर फाइंडिंग लव फॉर योर वर्क. फील्स गुड यार. फील्स गुड. हमारे कास्ट से ही जब हम लोग ही एक दूसरे को भी बोलते कि यू नो आपका ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका. सो वी ऑल द एंटायर कास्ट कम्स टुगेदर लाइक दैट. सो अभी भी जब हम बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि यार वो सीन जो आया वो बहुत गूज़बम्स आ गए थे वो सीन के को देख कर. और तो ये एंटायर कास्ट डिस्कसेस इट. सो अमंग्स आवरसेल्व्स वी नो एंड वी स्पीक अबाउट अच्छा वो सीन वो सीन. सो वी ऑल हैव आवर फेवरेट्स. इतना बाहर नहीं निकल पाते फॉर ऑडियंस रिएक्शन. तो जो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन होता है वो मिल पाते हैं हमें. So seeing that was very overwhelming, yaar. You messaged, it's very nice that you do. Very, this very, very sweet of you, Bhavna. And mashallah, it helps a lot when people tell you कि अच्छा ये अच्छा लगा. So it kind of gives us a direction के इस तरह से और perform करना चाहिए. हमने देखे reactions, जो भी drama था, जो भी sequence था, उन सब को साइड पे रख के लोगों ने परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहा है. उसके लिए थैंक यू सो मच. और नायरा के गिरने के बाद आई थिंक कार्तिक का बहुत मेजर इंटेंस सीक्वेंस रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं. उसके लिए मेरी आवाज़ जा चुकी है. एंड आई थिंक ही वाज अमेजिंग. मैंने उनको मौसम को बताया भी. उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही मतलब outstanding performance rahi hai in kuch episodes mein. And see that is also you know full credits to the writers to the director to yes, bring that to bring out. That out because a lot of times to get that exact emotion because the directors usually tell us you know isko thoda sa sober kar lo isko thoda sa utha sakte ho. So those you know things really matter. The writing really matters. So full credits to the writers the directors our creative team to bring that nuance out. Bahut chhoti chhoti nuances hai. वो एंजल का उसी पॉइंट पे टूटना हाथ का जब छूटना था इट वाज जस्ट द हाथ का छूटना. इट वाज द एंटायर थिंग. सो दो स्मॉल स्मॉल नुएंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस विजुअली. सो फुल क्रेडिट टू देम. बॉसेस कांग्रेचुलेशन. आपको आपने अपने नया घर लिया है तो आपने प्रोसीजर के बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए. वो हाईराइज अपार्टमेंट से आपने फोटो डाली. थैंक यू सो मच. हां हमने नया घर लिया है तो इंशाल्लाह मैं
प्रॉपर मेरी फैमिली के साथ हम लोग पोस्ट करेंगे उसके बारे में देन डालते हैं। सो ऑन अ पार्टिंग नोट अगेन कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड अब अगले 12 साल भी मुझे लगता है हम यही सेट पे। थैंक यू।